कमाल करता है मुजाहिद भाई, चुरंगी से बंदा पिक्चर के लाने में इतना टाइम लगता है क्या? और गूगल मैप भी अजीब है, लोकेशन डालो खारा दर निकलता है मीठा। किस बात का गूगल मैप? आइए आइए, इसे अपना ही घर समझिए। आइए आइए भाई आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके वाले साहब हैं? अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मुलाजिम है। भाई मुलाजिम किसको बोल रहे हो? नहीं मुलाजिम नहीं है, ना मुलाजिम है ना बेटा है, दरमियान की चीज है। आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बैठे 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 हाँ, तो मैं आपको अपना तारुफ करा दूँ। असल में हमारा ताल्लुक नवाब खानदान से, मेरे दादा नवाब सिराजुद्दौला। तो आपके दादा थे? हाँ, नवाब सिराजुद्दौला के चचा साहब भाई नवाब मिजाजुद्दौला मेरे दादा थे। हाँ तो खैर, मैं बता रहा था आपको, ये मेरा बड़ा बेटा है फिरोज, जो उसके साथ जो खड़ी है मेरी बड़ी बहू। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे घर दिखा दें। इन बातों से आपको क्या दिलचस्पी? खैर, मैं कुछ बुनियादी बातें आपसे जानना चाहता हूँ, और वो ये कि आप कितने दिनों के लिए कमरा रेंट पे लेना चाहते हैं? वन मंथ के लिए। वन मंथ, उसके बाद आप कहाँ रहेंगे? एक्चुअली मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने आई हूँ इस्लामाबाद से, फिर मैं दोबारा इस्लामाबाद चली जाऊंगी। वर्कशॉप यानी ये गाड़ी का इंजन बांधेगी? एक्सक्यूज मी, खराब हो गया तुम्हारा। वर्कशॉप से मुराद ये है कि मल्टीनेशनल कंपनियों की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, सेमिनार होते हैं, उन्हें वर्कशॉप कहते हैं, है ना? जी जी एग्जैक्टली। लेकिन हमारे एरिया में जितने वर्कशॉप लिखा हुआ, तो गाड़ी के इंजन उतारता है, गाड़ी धोता है भाई। हमारे एरिया की बात नहीं हो रही, इस्लामाबाद से आई है वो, एक फोन कॉल पे पुलिस को बुला सकती है, कुछ भी कर सकती है, इतनी जान पहचान है उनकी। हाँ तो खैर, मैं आपसे कह रहा था कि किराए की बात भी कर ली जाए, तो होटल का जो किराया होता है फाइव स्टार का, वो तो बहुत महंगा होता है, 25-30 हज़ार रुपए पर डे पर नाइट का। तो हमने तो इसके लिहाज से बहुत कम किराया रखा है, बहुत मुनासिब है। फिर भी कितना रेंट है? 10,000 ओनली। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। अशमत भाई 2,500 कर ले। खराब हो गया, 2,500 नहीं, देखो मेरे ख्याल में 5,000 मुनासिब रहेगा। आज देखिए ना, आपका ना हमारा, अब 5,000 मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगा। 5,000? देखिए आप आगे सहूलत तो देखिए, दो लड़कियां हैं आपको जिनके साथ आप फ्रेंडशिप कर सकती हैं, इसके अलावा मेरी वाइफ है जो आपको मजे मजे के खाने बना के खिलाएगी, वाईफाई है, एसी है, घर जैसा माहौल है, और तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है, क्यों मुजाहिद बताओ भाई? आदत के भी बहुत अच्छे अशमत भाई, इनके घर के अंदर तो नलके भी पानी के मस्जिद के लगे हुए। क्या अब आप आगे? असल में हुआ क्या था कि मस्जिद की रेनोवेशन की जिम्मेदारी मैंने उठाई थी, अपने पैसों से मैंने मस्जिद में नलके लगवाए थे, जो नलके बच गए वो मैंने घर पे लगा दिए, तो लोग ये समझते हैं कि अशमत भाई ने मस्जिद के नलके अपने घर में लगा लिया। वो तो आपको रहते हुए पता भी चल जाएगा, अभी कोई आवाज मार देना बिरयानी बट रही है अशमत आ जा, अपने लोंडो को भेज देगा थैलियां लेके के आलू बोटी जरूर लाना। व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर, व्हाट अ फनी मैन, वो देखे वो क्या है? नहीं नहीं, आदत के बहुत अच्छे अशमत भाई, बड़े दयालु। वैसे एक बात पूछनी है। जी जी पूछिए। आप लोगों के हालात खराब है क्या? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हम तो खाते पीते लोग हैं, अभी 10-15 दिन पहले मैं यूरोप टूर से आया हुआ। तो फिर इतने से पैसों के लिए अपने घर की प्राइवेसी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अब असल में मुझे ना बचपन से खिदमत खल्क का शौक था, और खास तौर पे पता चल जाए कोई मुसाफिर है तो मैं तो अपनी दिलो जान लुटा देता हूँ उसकी खिदमत करने के लिए, इसलिए बस खिदमत के जज्बे से। तो इसके अलावा प्राइवेसी की बात रही, अहले मोहल्ला जानता है इनके घर के क्या माहौल है, बेरोज फिरोज किस तरह जिंदगी निकाल रहे। मजाक कर रहा है, फिर मजाक कर रहा है, मजाक। हाँ अच्छी बात है, ऐसे घर भी मैं अभी देख लूंगी, और आप बता रहे हैं कि माहौल भी अच्छा है, तो 5,000 में डन। ये हुई ना बात, तो आपका सामान किधर है? मेरा सामान होटल में, मैं अभी पिक करके ले आता हूँ। हाँ ये ठीक है, आप सामान पिक करके ले आए, मैं जब तक कमरा रेडी करता हूँ। अगर थोड़ा सा एडवांस मिल जाएगा 10 दिन का, यही कोई 50,000 रुपए, तो हम जरा हर चीज रेडी कर देंगे आपके। जी ये हुई ना बात, देखो ये होते हैं। हाँ भाई एनवेलप भी बना के लाइए, बेहतरीन। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ मुझे बेटा इन्हें दरवाजे तक छोड़ के आओ। हाँ खुद ही चली जाएगी। हाँ छोड़ के आएगा, छोड़ के आएगा। हाँ हाँ आते हैं, चलो चलो जी चलो भाई। घर में अफराद कम हो तो घर खुला खुला लगता है काफी। अरे मैं हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि आपके इंतजार के बाद घर कितना सूना सूना हो जाएगा। खराब हो गया तुम्हारा, क्या उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हो खतरे के बच्चे। अच्छा अच्छा बस ये बताए हमें यहाँ क्यों बुलाया है? वो असल में बात दरअसल ये है कि फिरोज ने मालिक मकान से 3 महीने का किराया एक साथ अदा करने का वादा किया, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया पैसे जमा करने का। है क्यों मजदूरी करोगे? खराब हो गया तुम्हारा। मैं सोच रहा हूँ भाई घर में कमरा खाली है, वो किराए पे चला देते हैं, पेइंग गेस्ट के तौर पे किराया आ जाएगा, मसला भी हल हो जाएगा। पहली बात तो इस घर में कोई कमरा खाली नहीं है, और दूसरी बात आपको ये सब करने से पहले हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम लोगों से इजाजत लेने की, मैं फैसला कर चुका हूँ, बल्कि एडवांस भी पकड़ चुका हूँ मैं। क्या फिजूल,
अरे हर्षु, घर में ऐसे ही कमरे का मैं कौन सा कमरा किराए पे देने जा रहे हो भाई? अरे भाई टेक्निकल बात है, किरण अमेरिका जाके बैठी है, वापस आने का नाम नहीं ले रही, घर उसके हैदराबाद की आवाज, घर से दो अफराद कम है, एक कमरे की जगह निकलनी ही चाहिए। अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक काम करते हैं, विश्वा को फिर उसके रूम में भेज देते, जगह जगह। क्या पागल हो गए, कौन सी भैया बातें कर रहे हो तुम? ये बात भी सही, तुम तो लड़की हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। फिरोज को विस्मा के रूम में भेज देते, विस्मा जगह जगह। हमारा दिमाग खराब हो गया है, लग रहा तुम्हारा घुटना नहीं सर तोड़ दिया हमने। देखो बात बच्चा गलत कर रहा है लेकिन टेक्निकली सही है, घर में दो लोगों की जगह निकलनी ही चाहिए। रुकैया ये बताओ घर में लड़कियाँ कितनी है? तीन। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दो लड़कियाँ एक औरत है और वही मर्द है चार। अगर हम ऐसा करें कि विस्मा के रूम में उस्मा और रुकैया को शिफ्ट कर दे और सुल्तान के रूम में शहरी और फिरोज को, तो ऐसा हो सकता है मस्तान? अरे क्या इंतहाई बकवास तरीन आइडिया यार, ये क्या बकवास आइडिया, मुझे नहीं मंजूर। फिरोज बिल्कुल सही कह रहा है, आपकी वजह से हम सब क्यों तकलीफ उठाएं? अरे भाई बचपन में भी तो तुम तीनों भाइयों एक ही कंबल में घुस के सोया करते थे। हाँ कितना मजा आता था और पता ही नहीं चलता था कंबल गीला कर रहा है। मुझे पता चल जाता था सुबह को। अरे यार बाबा देख सुन रहे इसकी बात है, मैं इसके साथ सुख नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। बड़ा हो गया अब नहीं करेगा, अब तो नहीं करोगे ना? मैं थोड़ी करता था भाई। तुम ही करते थे, अब नहीं करेगा भाई। अब तिल के लड्डू खिला खिला के हमने कंट्रोल कर लिया, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, आप लोग सब राजी है ना? नहीं मैं बिल्कुल भी राजी नहीं, बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ मैं तो। और ऋषि तुम कहाँ सोओगे? भाई मैं स्टोर रूम के अंदर अपना बिस्तर डाल के अकेला लेट जाऊंगा और क्या करूंगा। वाह बड़े मजे, खुद अकेले सोएंगे वहाँ पर? ठीक है मैं जाके विश्व और रुकैया के बीच में लेट जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा। और बल्कि एक काम करो, तुम लोग खुद संभालो, मैं निकल रहा हूँ। अरे भाई तो मसले का हल निकल चुका है, अब सब खामोशी से जाके फिरोज के कमरे की सफाई शुरू कर दो, रुकैया तुम खाना पकाना शुरू कर दो, कॉन्टिनेंटल फूड का मैंने लड़की को बोला, और विश्वा उस्मा तुम दोनों तैयार हो के बेटा रूम सर्विस बनना। हम नहीं बनेंगे रूम सर्विस। हाँ मैं तो कोई काम नहीं करी किसी का। अरे कोई बात नहीं, मैं बनूंगा रूम सर्विस। टांग देखो अपनी, टांग उतनी रही है, रूम सर्विस बनेगी। बताओ सर, उठो भाई बैठे मत रहो, चलो भाई जाके फिरोज कमरा साफ करो, सुल्तान हेल्प करो फिरोज की, जल्दी उठो जल्दी उठो, जाओ भाई जाओ, तुम लोग जाके किचन का देखो। हाँ चलो भाई, और भाई तुम यहाँ पड़े मत रहो, लड़की आएगी वो रास्ते में तुम्हें प्रॉब्लम समझेगी, यहाँ पड़े रहते हैं हर वक्त, उल्टी सीधी नगरों से उसको देखते रहेंगे। यार बहुत गर्मी लग रही है यार, इस गर्मी का क्या इलाज करूँ मैं? यार फिरोज यार कम से कम पंखा तो चला दो यार, इतनी सख्त गर्मी हो रही है यार। सुल्तान आपका दिमाग खराब हो गया, सर्दियों के मौसम में भला कौन पंखा चलाता है यार? यार फिरोज मेरी घबराहट हो रही है यार, मेरा बीपी लो हो रहा है, प्लीज पंखा चला दो यार। इतना मोटा कोट पहनकर भला कौन सोता है, ये उतारेंगे तो मौसम ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, लिबास शख्सियत का आईनादार होता है और मैं अपना लिबास नहीं उतारूंगा और कोट तो मैं हरगिज नहीं उतारूंगा। अबे तुम दोनों चुप हो रहा नहीं हो रहा? ओए सुल्तान, ओए विरोध, मैं तुम दोनों को ना यहीं से लात मार के गिरा दूंगा, समझ गए? अरे तो लात कैसे मारेंगे, आपकी तो लात टूटी हुई है। दांत तो सलामत है, यही मुक्का मारूंगा तेरे मुंह में, दांत निकाल दूंगा साले, दांत तोड़ के ना यहीं गिरा दूंगा। ओए तेरे मुंह पे तकिए रख के ना तेरा यही जनाजा निकाल दूंगा। आप सुल्तान भाई चलाने पंखा, मतलब किसी का एहसास ही नहीं, मैं सर्दी से डर रहा हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती और सलामत। पंखा चला लो, बकवास नहीं कर, मैं बता रहा हूं पंखा चला। हाँ चला रहा हूँ चला रहा हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मजा आ गया। काजल की ट्रेन ना मिस हो जाए, आप तो बैठे बैठे यहाँ से ट्रेन रोक लेंगे। अरे कैसी बातें कर रही, खामोशी के साथ फिल्म देखी ना। अरे अल्लाह ये फिल्म बंद करो, लाइट जलाओ, मुझे नींद नहीं आ रही भाई। नहीं नहीं फिल्म विल्म बंद नहीं हो सकती, अभी हम फिल्म देख रहे, लाइट इसलिए नहीं जलेगी बस। दस दफा की फिल्म देखी में नाम तक याद है मुझे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बंद करो इसे। बंद नहीं करी अम्मा, अब क्यों डिस्टर्ब करी, पूरी फिल्म का मजा खराब हो रहा है। फिल्म जो मजे की लगी नहीं है इसे, माँ की नींद की परवाही नहीं है। अम्मा परवाह तो आपके शोहर को नहीं चाहिए, उनकी वजह से आप दरबार भटक रही हैं। ए उस्मा मेरे मुंह नहीं लगना बता रही हूँ मैं, देख मेरा दिमाग बिन्नोट हुआ हुआ है नींद के मारे। अब चल उठ विस्मा, लाइट जला। मैं कोई लाइट नहीं जला रही हूँ, एक मिनट बॉस कर रही हूँ, मैं लाइट नहीं जला रही हूँ अम्मा, आप बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं मुझे। और वैसे भी एक बात बताएं, लाइट जला के कौन सोता है? अरे भाई हम सोते हैं, हर्षु कहते हैं खतरा कहीं से भी कभी भी आ सकता है, लाइट जला हमारी आदत खराब हो गई है, हम जली भी लाइट में सोएंगे। हाँ वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, हशमत अंकल की सूरत में खतरा तो आपके साथ ही सोता है और क्या। हर्षु ने ये मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, कमरा किराए पे चढ़ा दिया, ये नहीं देखा बीबी दर बदर होगी, लड़कियां नहीं सुन रही मेरी, भाभी जाके उठाती हूँ उस पेन गैस को। अम्मा जाओ दरवाजा बंद कर दे। हाँ सारी फिल्म जाया कर दी, चलो चलो।
थैंक यू के बच्चे, तुम सारे चोर की तरह घर में घुस के चलो। अरे हस्बैंड भाई, मेरे घर में पानी आ गया। पानी आ गया तो नहाओ, यहाँ आने की क्या जरूरत है? अरे नहाने का नहीं भाई, ऊपर वाले घर वाले की है ना, एयरपुल का पाइप मेरे घर के अंदर है। इतने भाग से मैं गहरी नींद में सोया तो पानी हमारे पुल से भर गया। झूठी कहानी सुना रहे हो, बिल्कुल बकवास कहानी है, मुझे एक रुपए का यकीन नहीं आया इस पर। फिर नहीं नहीं यकीन कर ले हस्बैंड भाई, जैसे आपने वो पेन गैस को रखा हुआ मुझे भी रख ले। पेन गैस होता है, पेन गैस पैसे दे रही है, पैसे है तुम्हारे पास? मेरे पास है। कितने है? 120 रुपए। लाओ तो 120 रुपए। पैसे किस बात के लिए? चलो देख रहा हूँ, अंदर चलो, अंदर चलो। ओहो, फुल मौजा ही मौजा, मैं भी आ गया। चल भाई आगे खिसक। अरे आप क्यों आ गए यार, आप तो निकले यहाँ से। अरे क्या हो गया भाई, अश्मत भाई ने बोला आज से मैं भी इधर ही सोऊंगा। मैं भाई क्या हो गया, तुम्हारी औकात है हमारे साथ सोने की? ओ भाई औकात की बात ना करियो, अश्मत भाई को पैसे दिए या सोने के लिए? यार अश्मत भाई भी यार अजीब है, गहरे नत्तू गहरे को हर एले मेले को हमारे पास भेज देते हैं यार, ये क्या हो रहा है यार ये? अबे भाई आगे हो, शाबाश, तकलीफ ना दे, आगे होने की कर। यार शेरी यार थोड़ा सा आगे हो जाए यार। अबे सुल्तान के पागल वागल अंधे हो गए, नजर नहीं आ रहा इस स्टैंड पे लगी हुई। यार सॉरी यार, आई एम सॉरी यार। यार फिरोज भाई थोड़ी आप ही जगह दे दो यार, थोड़ा आगे हो जाओ यार, इसको जगह दे दो भाई। अरे किसको भाई? हाँ भाई अब सही जगह हो गई भाई, क्या खाक जगह हो गई, उस तरफ जाके मैनेज हो जाएगा, फिरोज भाई सो जाओ यार। बेटा मैं तेरे लिए पानी लाई हूँ, मैं समझी तुझे प्यास लगी होगी। जी थैंक यू। कमरे में काफी रोशनी है, लाइट जला के सोती है बेटा? जी आदत है मेरी। हाय हाय मेरी भी ऐसी आदत है। देख बेटा मैं तेरी माँ जैसी हूँ, बुरा नहीं लगे अगर तुझे तो एक बात कहूँ मैं। देख मैं इधर मुँह करके सो जाऊंगी चुपचाप, तू इधर मुँह करके सो जाना, सही है? Excuse me, क्या मतलब है आपका? अरे क्या हो गया, एक रात अगर तेरे कमरे में सो जाऊंगी तेरी माँ जैसी हूँ बेटा। ये रूम मैंने रेंट पे लिया है, प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। आई तेरी प्राइवेसी के अंदर कौन घुस रहा है, ईमान से खुदा की कसम सुबह होने के बाद किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं अभी हशमत साहब को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो, क्या हाल है, कैसे याद किया? कहाँ है हशमत साहब आप? अरे भाई अपने रूम में होगा, और कहाँ जाना है मैंने? फौरन मेरे रूम में आया, आपकी वाइफ मेरे रूम में बैठी हुई है। अब 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 मैं एक मिनट में आया, एक मिनट में आया मैं। हर्षू को बुलाने की क्या जरूरत थी, मुझसे कहती मैं चुपचाप चली जाती। चुप चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज़ भी बोलिएगा। जी जी क्या हो गया? देखिए आप, आपकी वाइफ मेरे रूम में बैठी हुई है, सोना चाहती है। दिमाग ठीक है तुम्हारा, क्या हो गया यहाँ की सोना चाहती है? अरे वो दोनों लड़कियाँ कॉर्नफ्लेक्स पे फिल्म देख रही थी और अंधेरा भी किया हुआ था। कॉर्नफ्लेक्स क्या बना है ये? अरे वो नहीं होता टक टक टक, वो क्या होता है वो? अरे इंटरनेट नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख रही है। वही वही वही। अरे तो मुझे बताना था आगे, और यहाँ पे आ गई तुम बेवकूफ कहेंगी। मैं अभी इसको लेके जाता हूँ, चलो तुम मेरे साथ आओ, आप परेशान मत हो, आप आराम से सो जाइए, ठीक है? सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अपना ख्याल रखिए, लैपटॉप आपका है? जी हाँ। ख्याल रखिए। शान करके रख दिया है। अरे ये फिल्म क्यों रुक गई? लगता है नेट बंद हो गया। एक मिनट, अरे ये तो किसी ने वाईफाई बंद कर दिया। ये किसने किया? मुझे क्या पता बाजी। क्या यार इंटरनेट बंद हो गया, क्या देखिए भाई, कौन इस तरह लाइटें बंद करके घर के अंदर वैसा ज्यादा माहौल बनाता है? वक्त देखा आपने क्या टाइम हो रहा है, और शरीफों के घर में इस टाइम अंधेरा ही होता है। हम भी शरीफ ही है, बस रुकैया को लाइट जला के सोने की आदत है, और तुम लोग कैसी हो लादो, बूढ़ी माँ को कमरे से निकाल दिया। पहली बात तो लाइट इस कमरे की जलेगी नहीं, दूसरी बात मैंने अम्मा को निकाला नहीं था, मैंने सिर्फ ये बोला था लाउंज में जाकर सोफे पे सो जाए, और तीसरी बात ये इंटरनेट कैसे बंद हुआ है?
मुझे क्या पता कैसे बंद हुआ, राउटर गिर गया, टूट गया। झूठ बोल रहा है ना, आपने तोड़ा है, आपने तोड़ा है, झूठ बोल रहे हमसे। मेरा दिमाग खराब है, मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है, मैं राउटर तोड़ के अपना और नुकसान कर लूंगा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, खबरदार जो किसी ने कमरे से बाहर निकाला, वरना तुम दोनों को लात मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। एक तो मेरे कमरे में खड़े होकर ऐसी फजूल बातें करें, निकल जाए मेरे कमरे से फौरन। तुम तो सोच समझ के बात करो, मैं रोज क्या हैदराबाद आने में उसे टाइम लगेगा, हम उसे कह देंगे उस पर भाग गई और बराबर वाले कमरे सर में ले जाके जिंदा जला के झाड़ दूंगा। भौजी सुन रहे हैं, कैसी कैसी धमकियां दे रही है मुझे? चाची को क्या बता रही हो, इसके शौहर को जहर देकर आ रहा हूँ। क्या 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 जहर दे सकता हूँ अगर आप किसी से रुकैया को कमरे से बाहर निकाला। भैया भाई लेट जाओ, कोई खबरदार जो तुम इस कमरे से बाहर निकली, और ये तुम्हें डराया अगर तो तुम चिल्ला रहा मैं भागता हुआ आ जाऊंगा फौरन। ठीक है, ओके डन है आशु, डबल एच जाने दे। अबे वो कंडक्टर वाला सुधा चुपचाप, अरे उस पर जाने देगी बच्ची। आशु हाँ अब क्या है? आई मिस यू, गो टू हेल। शुक्रिया शुक्रिया। आपको पता है वो क्या कहकर गई? आई हर्षु प्यार से जो भी बोलते हैं सब जायज है। अल्लाह अब तो लाइट चलेगी तो भैया सोएगी। ये देखो यार इंटरनेट बंद कर दिया, ऊपर से लाइट चला के रख दिया, मैं क्या करूं? इनकी लव स्टोरी देखो। कौन है बे? अरे मुजाहिद यार जल्दी निकलो यार, आप कहां बाथरूम में जाके बैठ गए भाई? अबे भाई सबर कर जाओ यार, वैसे ही दो दिन बाद तो गुस्सा हूं मैं। अरे अजीब जंगली लोग हैं, इस तरह कैसे काम करूंगी मैं? अरे यार मुजाहिद आपको हशमत अंकल ने कमरा किराए पे दिया था, बाथरूम थोड़ी दिया था यार। ओ भाई उस पैसों के अंदर 5 रुपए और ज्यादा दे दूंगा मैं, समझो उसके पैसे कटवा दूंगा, गड़बड़ नहीं कर कमरे से। जल्दी निकलो यार, आप पूरा बाथरूम गंदा कर देंगे। अजीब जंगली लोग हैं, सर में दर्द करके रख दिया है मेरे। हेलो हशमत साहब कहाँ हैं आप? मैं अपने रूम में हूँ। आप फौरन मेरे पास आएं। मैं आपके रूम में इस वक्त, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं लगेगा, रात ज्यादा है। मेरा मतलब है लॉन्च में हूँ मैं, वहाँ पर आएं। हाँ मैं आ रहा हूँ, परेशान हूँ, तुम एक मिनट आए। जी फौरन है। गंदा कर देंगे, अबे क्या हो गया, तेरे से तो साफ भी रखूंगा ना मैं अपना काम से काम। जल्दी निकल रहे, बाल नहीं तो मैं बाल बंद कर दूंगा। क्या बंद करेगा? अरे पानी का बॉल यार, पानी का बॉल। अच्छा अच्छा, अभी तो नल बोल देता ना, जा बाहर चला जाए यार। जी जी जी, आपने मुझे बुलाया, सब खैरियत तो है? इस शोर शराबे में कोई शरीफ इंसान रह सकता है आप तो मुझे ये बताए? कह तो आपकी, कोई शरीफ आदमी नहीं रह सकता। थोड़ी जाकर चुप कर आए ना इसे। मैं जाके चुप आता, आप परेशानी हो, मैं जाके अभी 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 जाके बच्चों को चुप करा के आता हूँ। लोगों ने क्या माहौल बना के रखा है घर का, बिल्कुल जंगली है जंगली। क्या हो रहा है भाई, किस बात का शोर शराबा हो रहा है, क्यों सुल्तान वहां खड़े हो तुम? अरे हशमत अंकल मुझे बहुत जोर का प्रेशर आ रहा है, और ये मुजाहिद के अंदर जाके बैठ गया और निकल ही नहीं रहा है। अरे तो बाहर वाले वॉशरूम में चले आओ ना, यहीं जाना मरना जरूरी है। बाहर वाले में फिरोज गए। अरे तो फिरोज जिंदगी भर के लिए थोड़ी गया, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। सर फट रहा है मेरा दर्द से। हशमत अंकल आपको तो पता है मेरे साथ 10 तरह के मसले हैं यार, मुझे बहुत जोर का प्रेशर आ रहा है, समझ क्यों नहीं रहे? अरे टांग पे टांग डबल कैंची मारो, रुक जाएगा खुद ही यार। अरे भाई मेरी टांगे आपकी तरह थोड़ी है जो डबल कैंची मारो रुक जाएगा। अच्छा भाई जो भी है, अब तुम्हारी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, खुदा की कसम अगर आवाज बाहर आई सुल्तान तुम्हारी खाल खींच कर उसमें भूसा भरवा दूंगा, समझ में आया? चुपचाप दरवाजा करके जाओ, लगी हिसाब करके रख दिया इन लोगों ने। देखा आपने कैसे मैंने गधे के बच्चों को मार मार के चुप करा दिया, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप बेफिक्र होकर सो जाइए। पर अगर अब मुझे किसी ने परेशान किया और शोर किया तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं होगी, रुकैया ने जो तमाशा करना था कर लिया, लड़कों ने जो करना था कर लिया, अब मैं आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, सब जिम्मेदारी मेरी है, आप बेफिक्र होकर सुबह तक सोइए, आइए मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। रहने दे चली जाऊंगी मैं। उफो, लगता है लाइट खराब हो गई, मैं काम कैसे करूंगी, अब तो सोना ही पड़ेगा, वैसे भी पागल करके रख दिया इन लोगों ने, सो ही जाती हूँ।
ये तो लड़की कमरे से अपने चीखने की आवाज आ रही है, पता नहीं। हाँ अम्मा, अरे अम्मा उठे, क्या हो गया? डाकू आ गए? अरे कोई डाकू नहीं आया, वो लड़की इतना चीख रही है, चले बाहर चलकर देखते हैं क्या हुआ। चलो 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 चलो, सोने भी नहीं देते। अरे क्या कर दिया, मुँह काला कर दिया, कहाँ मुँह दिखाएंगे हम? आप अगर आपको यही हरकत करनी थी तो घर में तो ना करते। इंसान ऐसी हरकत करते ना, चार मोहल्ला छोड़ के करते हैं। अरे कहाँ मुँह काला, मुँह साफ तो है। इतनी बड़ी गलती, सीधा हाथ और उल्टे हाथ का तुम्हें फर्क ही नहीं पता यार। कमाल करते हो तुम, अजीब आदमी हो तुम। देखिए मैं समझाता हूँ, बच्चे से गलती हो गई, तुम्हारा ये गलती नहीं होगी। मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगी। अरे उस चूहे को पकड़ लेना, आपकी बार आए तो वो गर्दन से। अबे तेरा बाप सारे घर वाले तो दलील कर रहे, तेरा बाप उसको ठोकने वाला है। अबे रुक जा, मुझे तो लेके चल, मैं भी ठोकूंगा यार। देखिए आप परेशान मत हो, मैं इसको बाहर जाके पिटाई लगाऊंगा, दोबारा आपको शिकायत नहीं होगी। सुबह तक आप बेफिक्र होकर सोइएगा। मैं इस घर में नहीं रुकने वाली, आप मेरा लाइट वापस करें। नहीं नहीं, वो तो मुझसे खर्च हो गया। कैसे? वो असल में मैं बाहर जा रहा था, डाकू मुझसे छीन के ले गए। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूँ। किसी ने मुझसे पैसे छीन लिया, मैं आपको वापस नहीं कर सकता। मैं अभी पुलिस को कॉल। अरे चोरी, पुलिस को छोड़ना, निकाह करने को तैयार हूँ, गवाह भी रेडी है, जल्दी आ। जायता कोई जायता, अबे तो साले उसे पकड़ना चाहिए ना, यहाँ छीन ले इसके हाथ से। इसके पास इधर दो, पुलिस को फोन करेगी ना जब फोन होगा इसके पास। मेरा मोबाइल।